हेलो एंड वेलकम टू मॉम्स डायरीज। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे हर यूज़फुल वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे यहाँ कई सालों से शिशु की मालिश की परंपरा चली आ रही है। जैसे ही बच्चा घर में आता है, उसकी नानी या दादी मालिश की जिम्मेदारी ले लेती है या मालिश वाली रखी जाती है। लेकिन क्या सच में शिशु की रोज़ाना मालिश करने से उसका वज़न बढ़ता है और विकास अच्छे से होता है? तो आइए आज यही जानते हैं इस वीडियो में। कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि तेल मालिश बच्चे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, खास करके वो बच्चे जो समय से पहले जन्म लेते हैं, जिनको हम प्री मैच्योर बेबीज़ कहते हैं। मालिश वेगस नर्व को उत्तेजित करती है। ये एक ऐसी मुख्य नस है जो बच्चे के दिमाग को पेट समेत और शरीर के अन्य अंगों को जोड़ती है। इस नस के उत्तेजित होने से बच्चे का पाचन अच्छे से होता है और बच्चे की यूरिन पॉटी इसमें सुधार आता है और इसी वजह से बच्चे का वज़न बढ़ने लगता है। इसलिए बच्चे की मालिश करते समय बच्चे के हाथ पैर की तरह पेट की भी अच्छे से मालिश ज़रूरी है। पेट की मालिश करते समय पेट पर ज़्यादा दबाव ना डालें, हल्के हाथ से ही मालिश करें। बच्चे के नाभि के चारों ओर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मालिश करें। मालिश से ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छे से होता है, बच्चे के पाचन में सुधार आता है और अगर बच्चे का पाचन अच्छा है तो उसका वेट गेन भी अच्छा होगा और वेट गेन मतलब बच्चे का विकास भी अच्छे से ही होगा। एक स्टडी में यह भी पाया गया है कि मालिश के टाइम जो स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है उससे बच्चे का दिमागी विकास बहुत अच्छे से होता है और अगर खुद माँ ही बच्चे की मालिश करती है तो ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि माँ का स्पर्श बच्चे के लिए एक मैजिक की तरह ही होता है। इसके अलावा मालिश से बच्चे की मांसपेशियाँ और हड्डियाँ मजबूत होती है, जिसके कारण वो समय पर पलटना, बैठना, रेंगना और चलना सीख लेते हैं। रोज़ाना तेल मालिश से बच्चे की रंगत में भी बहुत सुधार आता है। मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे को दिन में 2-3 बार मालिश की जाती है। दरअसल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, रोज़ाना एक बार मालिश बच्चे के विकास के लिए काफ़ी है। बच्चे की मालिश हमेशा हल्के हाथ से ही करें, ज़्यादा रगड़े नहीं या ज़्यादा दबाव ना डालें और मालिश के बाद बच्चे को अवश्य नहलाएं और दूध पिला के सुलाएं। इससे बच्चे बहुत अच्छे से गहरी नींद लेते हैं, जिससे उनका वज़न बढ़ने में मदद मिलती है। जितना हो सके 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही कराएं, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है और बच्चे को सभी पोषक तत्व भी मिलते हैं। इसके साथ शिशु के लिए सुबह की धूप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बच्चे को विटामिन डी मिलता है। तो ये बिल्कुल सच है कि रोज़ाना शिशु की मालिश करने से उसका वज़न बढ़ने में और विकास अच्छे से होने में बहुत मदद मिलती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।